हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आज की वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं हम हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर अगस्त 2023 के 1 से 7 के पहले डिस्कस कर चुके थे। आज हम 8 से लेकर के 17 अगस्त के डिस्कस करेंगे। और जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि हिमाचल प्रदेश में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है भैया, हद से ज़्यादा बारिश हो रही है, जिससे बहुत तबाही मची हुई है। तो जो हिमाचल प्रदेश के न्यूज़पेपर हैं उसमें हर जगह रेन, लैंडस्लाइड्स, ये सब चीज़ें ही आ रही हैं। कितनी डेथ हुई, कितना क्या हुआ, इसके अलावा कुछ खास नहीं है। फिर भी यहाँ वहाँ से जो छूटता था उसको पकड़ करके कुछ भी, मतलब जो इम्पोर्टेंट है चीज़ें, वो आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की डिस्कशन को हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। हिमाचल प्रदेश का कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूट है जिन्होंने कि लो कॉस्ट के यानी कम लागत के लैंडस्लाइड मॉनिटरिंग सिस्टम, इस तरह के सिस्टम जो लैंडस्लाइड को मॉनिटर करेंगे, उनको डेवलप किया है, विकसित किया है, जो कि माइक्रो इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम बेस्ड सेंसर टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं और हम लोगों को पोटेंशियल लैंडस्लाइड यानी कि होने वाले लैंडस्लाइड के बारे में टाइमली बताएंगे। तो ये इंस्टीट्यूट है आपका यहाँ पर आईआईटी मंडी, ठीक है, ध्यान रखिए कौन सा इंस्टीट्यूट है यहाँ पर, आईआईटी मंडी ने ये डेवलप किया है। अब ये क्यों न्यूज़ में आया हुआ था, देखो हमने बहुत दिन पहले अपने न्यूज़ में पढ़ा हुआ था कि जैसे अर्ली वार्निंग सिस्टम जो है वो इंस्टॉल किए गए हैं कांगड़ा के कुछ हिस्से में, कांगड़ा हो गया, चंबा हो गया, किन्नौर हो गया, यहाँ पर ये अर्ली वार्निंग सिस्टम इंस्टॉल किए गए थे। ये क्या करते थे, ये हमें सॉइल मूवमेंट के बारे में बता रहे, सॉइल मूवमेंट की कहीं पर जो मिट्टी है चाहे वो स्मॉल अमाउंट में थोड़ी धीरे धीरे दरक रही है या थोड़ी ज़्यादा दरक रही है, उस चीज़ को ये अर्ली वार्निंग सिस्टम बता रहे थे, इसलिए इनको इंस्टॉल किया था। और क्या ये मिट्टी का दरकना एक पोटेंशियल लैंडस्लाइड हो सकता है या नहीं हो सकता है, ये भी हमें बता रहे थे। लेकिन अभी जब आप लोगों को पता ही है कि इतने सारे लैंडस्लाइड्स हिमाचल प्रदेश में हो रहे हैं, तो ये जो हमारे अर्ली वार्निंग सिस्टम्स हैं ये हो गए फेल, ठीक है। तो ये एक बड़ी चिंता का विषय बना, इसी के बारे में एक्चुअली न्यूज़ आई हुई थी कि ये जो अर्ली वार्निंग सिस्टम है स्टेट में ये तो फेल हो गए भाई। और जब ये फेल हो गए तो उसी पर्सपेक्टिव में ये भी वहाँ पर जिक्र किया गया था कि भैया ये जो आईआईटी मंडी है इन्होंने लो कॉस्ट के लैंडस्लाइड मॉनिटरिंग सिस्टम को डेवलप किया है, उनको भी तो हम यूज़ कर सकते हैं, जिसमें उन्होंने माइक्रो इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम बेस्ड सेंसर टेक्नोलॉजी को यूज़ किया हुआ है। तो हुआ क्या, ये जो अर्ली वार्निंग सिस्टम है ये आपको सॉइल मूवमेंट के बारे में तो बता रहे कि अगर थोड़ी सी मिट्टी जो है वो दरक रही है या थोड़ी ज़्यादा अमाउंट ऑफ मिट्टी अगर खिसक रही है, लेकिन क्या ये सिर्फ मिट्टी थोड़ी बहुत खिसक रही है या एक पोटेंशियल लैंडस्लाइड हो सकता है, ये वो नहीं बता रहे थे, ठीक है। तो मतलब इससे एक्चुअल में हम लोगों को ये पता चल रहा है कि भैया इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है उसमें कुछ लोचा है, कुछ तो है जो प्रॉपर तरीके से ये नहीं बता पा रहा है। इसके लिए एक अल्टरनेटिव ढूंढा गया और उसमें आईआईटी मंडी के डेवलप किए गए हुए इस मॉनिटरिंग सिस्टम का नाम आया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ऐसी कौन सी स्कीम है जिसे हिमाचल प्रदेश की सरकार ने दोबारा से रिस्टोर किया है, बहाल किया है, ताकि जो लोग चाइना के बॉर्डर के साथ रहते हैं उनको बसाया जा सके और उनकी जो माइग्रेशन है यानी कि उनका जो पलायन है उसको रोक दिया जा सके। नीचे आप लोगों को ऑप्शंस दे रखे हैं और सबसे पहला आपका ऑप्शन है, सबसे पहला नहीं, सही ऑप्शन आपका यहाँ पर है नौ तोड़ ज़मीन योजना। देखो चीन की सीमा में जो लोग रहते हैं उनके लिए हिमाचल प्रदेश की सरकार ने, ताकि वो अच्छे से बस सकें और माइग्रेट ना करें, पलायन ना करें, उसके लिए नौतोड़ ज़मीन योजना को फिर से बहाल किया हुआ है। नौतोड़ ज़मीन योजना के बारे में जिन लोगों को नहीं पता है बेसिकली ये है क्या, तो मैं थोड़ा सा उन लोगों को बता दूं कि 1970 में क्या हुआ था हमारे स्टेट में, जिन भी लोगों के पास कम भूमि थी या जो लोग लैंड लेस थे उनको क्या दिया गया था, सरकार ने भूमि दी थी, इसी भूमि को नौतोड़ का नाम दिया गया था, ठीक है, जिनके पास लैंड नहीं थी। और इसमें से जो कौन से लोग आते थे, इसमें से वो लोग आते थे जिनकी जो सालाना आय है वो 2000 रुपये से कम थी, ठीक है। इसके लिए क्या बनाया गया, नौ तोड़ एक्ट बनाया गया 1968, नौ तोड़ एक्ट
1968 इसके लिए बनाया गया। अब क्या था कि हाई कोर्ट ने ये आदेश दे दिए थे कि भैया जिनको भी नौतोड़ की भूमि दी है उनसे वो भूमि अब वापस लिए ले ली जा सके। लेकिन हमारी कैबिनेट में एक मीटिंग हुई जिसमें इन्होंने बोला कि जो भी जनजातीय क्षेत्र है ट्राइबल एरिया उसमें जो नौतोड़ नियम है उसको 2 साल के लिए और इम्प्लीमेंट किया जाए, और जितने भी जनजातीय लोग हैं उनके पास अगर जो लैंड है वो 20 बीघा से कम है, ठीक है, 20 बीघा से कम है तो उनको ये नौतोड़ दी जा सके। अब क्या है, इसके लिए भी कुछ एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि जो नौतोड़ है क्षेत्र है जो जिसके लिए डिमांड रखी जा रही है कि भैया इसको हमें नौतोड़ दिया जा सके, वो नेशनल पार्क, वन सेंचुरी, कंजर्वेशन एरिया, कम्युनिटी रिजर्व, इनके अंतर्गत नहीं होना चाहिए। और जिस भी भूमि को आपने प्रपोज किया है कि भाई इसको हमें नौतोड़ के लिए दिया जा सके तो इसमें जो खड़े पेड़ है उसकी संख्या 2 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही अगर आप अपने डोमेस्टिक यूज़ के लिए इस लैंड को चाहते हो तो ही आप लोगों को ये मिलेगी, ठीक है, ओनली फॉर डोमेस्टिक यूज़। ऐसी बात नहीं है कि आप इसकी आड़ में क्या करेंगे, किसी भी तरह का क्राइम करोगे, फॉरेस्ट में जो भी क्राइम्स होते हैं वो करोगे, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। नौतोड़ नियमों के अधिकतम आपको कितनी लैंड दी जाएगी, 20 बीघा तक आपको वहां पर लैंड दी जाएगी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि जो चीफ मिनिस्टर ने एक ग्रीन कवर मिशन, हरित आवरण मिशन को शुरू किया है उसमें कितने हेक्टेयर में पौधारोपण किया जाएगा, तो ये आपका सही आंसर है यहाँ पर 257 हेक्टेयर में। देखो जो हिमाचल प्रदेश है वहाँ पर ग्रीन कवर को बढ़ाने के लिए ये पहल जो है हिमाचल प्रदेश के सीएम ने शुरू की है, उसमें क्या होगा कि जो भी हिल्स हैं इनमें जितनी भी बंजर ज़मीन है वहाँ पर पौधारोपण किया जाएगा, और किसी भी जो कोई भी वहाँ पर जैसा भी माहौल है, जैसा क्लाइमेट है, उसको देख करके किस तरह की स्पीशीज़ वहाँ पे ग्रो कर सकती हैं उनका पौधारोपण किया जाएगा और एक हरित आवरण जो है वो प्रदान किया जाएगा। इसके साथ ये भी है कि जो पहाड़ों पर खरपतवार है उसको भी नष्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरह एक ये अप्रोच है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे हुई ये देखिए, अगर आप अपनी पहाड़ियों को हरा भरा करोगे, अपना जो फॉरेस्ट कवर है उसको अच्छे से मेंटेन करोगे, तो ना सिर्फ ये आपकी आज की जनरेशन के लिए अच्छा है बल्कि जो आने वाली जनरेशन है उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो एक तरह से सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ ये एक कदम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर मुझे लग रहा है थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है बिकॉज आंसर ही आ रहा है यहाँ पर, क्वेश्चन वाली स्लाइड गायब हो गई। इसमें क्वेश्चन आपका क्या था, हिमक्राफ्ट क्या है ये, कि जो स्टेट के हैंडीक्राफ्ट, स्टेट के जो हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम कॉरपोरेशन है आप लोगों का, उसका नाम बदल के क्या रख दिया जाएगा। तो ये जो कॉरपोरेशन है इसका नाम बदल के रख दिया जाएगा हिमक्राफ्ट, एक तरह से ब्रांड का नाम दे दिया गया इसको। हमारे स्टेट में जो भी हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम कॉरपोरेशन है स्टेट का, उसके जो प्रोडक्ट्स होंगे उनको हिमक्राफ्ट के नाम से जाना जाएगा। ब्रांडिंग से क्या होता है, एक तरह का ये डिस्टिंक्ट ब्रांड आ गया आपके मार्केट में। आप लोगों को पता ही है ना, आप लोगों ने देखा होगा 2 तरह के कपड़े होते हैं, एक तो हम ब्रांडेड कपड़े बोलते हैं और एक होते हैं हमारे नॉर्मल कपड़े, साधारण कपड़े जो होते हैं। आप देख लेना हमेशा क्या होता है कि जो ब्रांडेड कपड़े हैं उनकी वैल्यू थोड़ी सी ज़्यादा हम लोग मानते हैं कि भैया ये एक अच्छे ब्रांड का है, ये कंपनी का है। तो इस तरह से जो भी हमारे हैंडलूम के प्रोडक्ट्स हैं उन प्रोडक्ट्स को आप एक अलग वैल्यू देने के लिए, एक अलग पहचान मार्केट में देने के लिए उसकी ब्रांडिंग की गई है और उसके तहत जो सारे प्रोडक्ट्स हैं उनका नाम रख दिया जाएगा हिमक्राफ्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो विडोज हैं उनको कितनी फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलेगी मुख्यमंत्री विधान एवं एकल नारी आवास योजना के तहत घर बनाने के लिए, तो ये जो आप लोगों के रुपए हैं ये है 1.5 लाख रुपए। इस 1.5 लाख रुपए से क्या होगा, हिमाचल की लगभग जो 7,000 वुमन है उनको बेनिफिट मिलेगा।
इस तरह से और भी कुछ एक डिसीजन लिए गए जिनमें आपको हल्का फुल्का बस जानने की ज़रूरत है, कोई पेपर में इस तरह की चीज़ें पड़ेगी नहीं। जैसे कि जो मानदेय है फ्रीडम फाइटर्स का, उसको बढ़ा करके 15,000 से 25,000 कर दिया गया है, और जो फ्रीडम फाइटर की विडोज़ हैं उनका 15,000 से 20,000 बढ़ा के कर दिया गया है मानदेय। ठीक है, नेक्स्ट, कितने ऐसे फार्मर्स हैं जिनको हिम उन्नति स्कीम से बेनिफिट मिला है? तो इसका आपका यहाँ पर सही आंसर है 28,873 फार्मर। इतने फार्मर्स को फ़ायदा मिला है हिम उन्नति योजना के तहत। हिम उन्नति योजना का आप लोगों को पता ही है कि ये एक एग्रीकल्चरल रिवोल्यूशन लाने के लिए योजना को शुरू किया गया है, एग्रीकल्चरल रिवोल्यूशन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ये है हमारे नेशनल और इंटरनेशनल अफेयर्स। तो नेशनल अफेयर्स में आप लोगों का जो पहला क्वेश्चन है वो ये आ गया, स्टेट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन रूरल इंडिया। ये एक रिपोर्ट है जो कि इस बात के ऊपर फोकस करती है कि रूरल कम्युनिटीज़ में जो चिल्ड्रन है, उनके ऊपर फोकस करती है। उसे किस मिनिस्ट्री ने यहाँ पर रिलीज़ किया है? तो इस मिनिस्ट्री का नाम है आपका यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर जो है, इन्होंने ये फर्स्ट स्टेट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफ रूरल इंडिया रिपोर्ट को रिलीज़ किया। और ये जो स्टडी है वो फोकस करती है कि रूरल कम्युनिटीज़ में जो बच्चे 6 से 16 साल के हैं उनके ऊपर ये फोकस यहाँ पर करती है। तो इससे इन लोगों को ये पता चला कि भैया जो भी लोग हैं रूरल एरियाज़ में, 78% वो बोल रहे हैं कि हम गर्ल्स को पढ़ाएंगे, अपनी हायर एजुकेशन दिलाएंगे। और जो लड़के हैं 82% पेरेंट्स बोल रहे हैं कि भैया हम अपने लड़कों को पढ़ाएंगे और उनको अच्छे से एजुकेट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, माया, एक इंडियन गवर्नमेंट एजेंसी ने ये डेवलप किया है। ये क्या करता है कि जो साइबर क्रिमिनल्स हैं, जब भी वो मालवेयर को मालवेयर अटैक्स करते हैं, उससे ये प्रिवेंट करेगा गवर्नमेंट के जो सिस्टम्स हैं, तभी तो ये इंडियन गवर्नमेंट एजेंसीज ने बनाया हुआ है। वो किस चीज़ को यहाँ पर रिप्लेस कर रहा है? माया किसको रिप्लेस कर रहा है? माया, तो माया जो है वो आपका रिप्लेस कर रहा है माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ कर रही थी हमारी इंडियन गवर्नमेंट एजेंसीज, इसको अब रिप्लेस किया जाएगा माया से। और वो हमें हेल्प करेगा कि भाई जो साइबर क्रिमिनल्स हैं उनके खिलाफ किस तरह से हम लोग, साइबर क्रिमिनल्स जो मालवेयर अटैक्स करते हैं, किस तरह से अपने सिस्टम को प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन यहाँ पर आता है, कौन सी ऐसी कंट्री है जहाँ पर इंडियन बुद्धिस्ट कल्चर और हेरिटेज सेंटर को कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है? इंडियन बुद्धिस्ट कल्चर एंड हेरिटेज सेंटर, तो यहाँ पर सही आंसर है आपका नेपाल। नेपाल में ये कंस्ट्रक्शन हो रही है, यहाँ पर लुम्बिनी में हो रही है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, बेसिकली 1.6 बिलियन रुपीस का हेरिटेज सेंटर जो है वो जीरो नेट टेक्नोलॉजी से यहाँ पर बनाया जाएगा, और लगभग 1.5 साल में ये कंप्लीट यहाँ पर हो जाएगा लुम्बिनी में। लुम्बिनी जो जगह है ना, एक बहुत ही जाने माने धर्म के साथ जुड़ी हुई है, कि जो एक पर्टिकुलर धर्म है उनके गुरु का वहाँ पर जन्म हुआ था। आप मुझे कमेंट में बताओगे कि मैं किसकी बात यहाँ पर कर रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, स्टिल अनप्रिपेयर्ड, ये रिपोर्ट क्या कर रही है, किसने बनाई, किसने रिलीज़ की ये रिपोर्ट जो हमें बताती है कि भैया जो इंडिया के मेजर बैंक्स हैं ये अनप्रिपेयर्ड हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई क्लाइमेट रिस्क आता है तो उससे डील करने के लिए ये जो बैंक्स हैं ये अनप्रिपेयर्ड हैं, स्टिल अनप्रिपेयर्ड। किसने ये रिपोर्ट को जारी किया? तो ये किया आपके रिस्क हॉरिजॉन ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन से ऐसे स्टेट हैं जिन्होंने की गृह ज्योति फ्री पावर स्कीम को लॉन्च किया है, जो फ्री इलेक्ट्रिसिटी देती है आपकी अप टू 200 यूनिट्स फॉर एवरी हाउस होल्ड इन स्टेट? कर्नाटका ने इसको लागू किया हुआ है, कर्नाटका ने लॉन्च किया है। नाम क्या है स्कीम का?
गृह ज्योति फ्री पावर स्कीम, ठीक है, 200 यूनिट तक ये फ्री देगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन यहां पर आ जाता है, लॉन्गेस्ट सर्विंग कैबिनेट सेक्रेटरी कौन से हैं? तो ये आ गया आपके राजीव गौबा। देखिए ये जो राजीव गौबा है ना, इनसे पहले ये जो बी डी पांडे थे, ये लॉन्गेस्ट सर्विंग कैबिनेट सेक्रेटरी थे, लेकिन अब ये आ गए हैं यहां पर राजीव गौबा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है, कौन सा ऐसा स्टेट है जहां पर हिमालयन वल्चर की पहली कैप्टिव ब्रीडिंग को रिकॉर्ड किया गया? तो ये है आपका यहां पर असम। असम में ये चीज की गई है यहां पर कि भाई जो कैप्टिव ब्रीडिंग है हिमालयन वल्चर की, उसको रिकॉर्ड किया गया, नियर थ्रेटन्ड ये स्पीशीज है, ठीक है, वल्चर की। तो कौन सा वल्चर? हिमालयन वल्चर, ठीक है। ये थे हमारे करंट अफेयर्स। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा, आप नेशनल करंट अफेयर के थोड़े से और क्वेश्चंस को बढ़वाना चाहते हो, तो या जो भी आप लोगों का सजेशन है, फीडबैक है, उसे कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर लिखिएगा, ये बिल्कुल फ्री है, ठीक है। तो चलो मिलेंगे जल्दी ही एक नई वीडियो के साथ।